कि सपोज एक प्रोजेक्टाइल को थीटा एंगल विद वर्टिकल ग्राउंड से ग्राउंड घेरा गया। एक्सप्रेशन निकालो रेंज का, मैक्सिमम हाइट का, टाइम ऑफ फ्लाइट का। तो स्टूडेंट का क्वेश्चन आता है, वो तो अभी सर ने करवाया था, आपने लिख दिया नंबर पूरे, लेकिन मैंने क्या बोला, एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया थीटा विद वर्टिकल, मैंने डेरिवेशन करवाई थीटा विद हॉरिजॉन्टल। टीचर चेंज कर देगा, वो क्या बोलेगा, थीटा विद वर्टिकल, तो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल क्या बनेगा, 90 माइनस थीटा। अब हो गई ना गड़बड़, तो अब क्या पूरी डेरिवेशन फिर से करवाऊं? नहीं नहीं इतना नहीं है, तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो आप एक काम करना, आप अपने स्कूल में मान लो मैक्सिमम हाइट या रेंज जो भी पूछेगा उसमें ये लिखना कि लेट अस सपोज थीटा इज एंगल विद हॉरिजॉन्टल। आप कह देना कोई बात नहीं, थीटा वर्टिकल नहीं है, थीटा मेरा हॉरिजॉन्टल है। आप वही डेरिवेशन कर देना रेंज की, मैक्सिमम हाइट की, टाइम ऑफ फ्लाइट की, ठीक। आप वही डेरिवेशन कर देना, एंड में लिख देना बट इन दिस क्वेश्चन इट इज गिवन दैट थीटा एंगल इज विद वर्टिकल एंड नॉट विद हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल क्या बनेगा, 90 माइनस थीटा। फिर एक स्टेप एक्स्ट्रा कर देना, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हमारे पास क्या हुआ करता था थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ, वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, बट थीटा की जगह रिप्लेस कराना 90 माइनस थीटा। हो सकता है वो आपको डेरिवेशन पूछे ना, एक नंबर में यही पूछ ले कि मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला मार्क कर दो, तो आप कुछ ना करना, थीटा की जगह 90 माइनस थीटा। मैथ में साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, पहला एंगल 90 है तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में, तो कॉस के थीटा ही आंसर होगा। अब जैसे रेंज है, रेंज को तो फर्क पड़ता नहीं है क्योंकि एंगल थीटा या 90 माइनस थीटा रेंज रिमेन्स सेम। करके देख लो, फॉर्मूला था वी स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, पर यहाँ पर थीटा की जगह 90 माइनस थीटा, इसको ओपन कर लो 180 माइनस 2 थीटा, क्योंकि पहला एंगल 180 है तो साइन विल रिमेन साइन। तो ये तो आपको रिजल्ट ही याद है कि थीटा एंगल हो या 90 माइनस थीटा एंगल हो, रेंज नहीं चेंज होती। टाइम ऑफ फ्लाइट में या टाइम ऑफ असेंट या डिसेंट में फॉर्मूला था वी साइन थीटा बाई जी, थीटा की जगह 90 माइनस थीटा, तो 90 है तो साइन विल बिकम कॉस, ये कराना बात खत्म। क्या ये पॉइंट क्लियर है? या अगर हो सकता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में सेम क्वेश्चन पूछ ले तो ये ऑप्शन आपने मार्क करनी है, ठीक। तो कैसे सोचना है, क्लियर है?